वेलकम पंजाब नेशनल बैंक में लोअर लेवल से ये जो ट्रेंड फॉर्म होता दिख रहा है, क्या इसके बाद और भी मोमेंटम या फिर यहाँ से कोई रेंज मार्केट बनेगा? देखिए अभी भी मोमेंटम है, नेक्स्ट डे हाई ब्रेक होते हैं तो और भी ऊपर जाएगा। थोड़े हाई टाइम फ्रेम पर इसे देखते हैं, क्लैरिटी मिलेगी। 1 डे के चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज का आप देख सकते हैं। रेंज कौन सा रेंज, मतलब एक चैनल आप कह सकते हैं। इस चैनल का यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पर और वही कंटिन्यूएशन में मार्केट जा रहा है। देखिए दूसरा एक और है कि फॉल के बाद 100 का जो लेवल होता है ना, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है और यहाँ से टर्न अराउंड पर, जैसे एक सेल ऑफ के बाद आप देखिए कि यहाँ पर 100 का ही है वो लेवल। देखिए कहाँ से मार्केट टर्न आउट हो रहा है, 100 पर एक लाइन को ड्रॉ करिए और आप देखिए कि इस लेवल से जो बाइंग चालू हुई है वो 106.7 तक गई है। और अब क्या और भी कंटिन्यू करेगा? देखिए रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यू तो कर ही सकता है और रिट्रेसमेंट होना एक हेल्दी चीज भी है। अब अगर हम लोग समझने की कोशिश करें क्या नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन है, तो हमारे लिए यहाँ पर जो लेवल वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, डिमांड जोन 106 के लेवल जो आज मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो कल के सेशन में अगर इसके ऊपर कहीं भी मार्केट ओपन होता है होल्ड और बाइंग, तो ट्रेंड विल कंटिन्यू। इसके ब्रेकडाउन पर मार्केट थोड़ा बहुत रेंज में आ सकता है, नहीं तो मूवमेंट डाउन। तो 106 के लेवल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे अगर रिट्रेसमेंट करता है मूवमेंट, तो फिर से नई हाई की तरफ मार्केट जाएगा। आप देख सकते हैं इसके ब्रेकडाउन होने पर भी नहीं समझना चाहिए कि ये ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि एक पुल बैक के बाद फिर से अप मूव है। मतलब 104 और 6 का जो एरिया है एक अच्छा डिमांड जोन है, जहां से एक शार्प रिकवरी अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है।